Good morning, dear friends, and what a blessed day it is. और सुप्रभात मेरे मित्रों और कितना आशीषित ये दिन है. This is the day the Lord has made that we as His people may rejoice and be glad. और ये दिन परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम उसके लोग होते हुए इस दिन में आनंदित हो जाएं. Today my meditation subject is Andrew. The soul winner. और आज के दिन मेरा शीर्षक मनन का रहेगा आंद्रियास जिसने आत्माओं को जीता. There are three scripture passages I would like to give you. Write down these references and read these passages tonight. और तीन वचनों को मैं आपको आज की सुबह दूंगा और कृपया करके इन्हें लिख लें और सोने से पहले इन तीनों वचनों को पढ़ें. All three are from the gospel according to Saint John. और तीनों वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाए जाते हैं. First chapter 1 verses 35 to 42. यूहन्ना का पहला अध्याय 35वां अध्याय वचन से लेकर 42वें वचन तक. And then chapter 6 verses 1 to 30. उसके पश्चात छठा अध्याय पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक. And thirdly chapter 12 verses 20 to 23. उसके पश्चात 12वां अध्याय 20वें वचन से लेकर 23वें वचन तक. All three passages talk about how Andrew was among the people and always finding people and bringing them to Jesus. और तीनों ही ये अध्याय बात करते हैं कि कैसे आंद्रियास लोगों के सम्मुख और बीच में था और कैसे वो लोगों से बात करता था. Andrew and a friend standing with John the Baptist. और इसलिए आंद्रियास और उसका एक दोस्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संग खड़े थे. And suddenly they saw Jesus passing by. और अचानक से उन्होंने देखा कि यीशु वहां से होकर के निकलता है. And they went after Jesus. और वो यीशु के पीछे हो लिए. And found where he was staying. और इस बात को देखा और जाना कि वो कहां रहता है. Andrew surrendered his life and his heart to Jesus. और उस क्षण आंद्रियास ने अपने जीवन और अपनी प्राणों को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया. What did he do in the first place? उसने क्या किया पहले स्थान पर? He went out from that exciting experience. और उस रोमांचक अनुभव से वो आगे बढ़ा. And did what is natural. और उसने वो किया जो स्वाभाविक या प्राकृतिक है. What is the natural thing to do for today's believers and evangelists? और आज के दिन में आज के सुसमाचार प्रचारकों और विश्वासियों का प्राकृतिक स्वभाव क्या होगा? So he went out to an intersection of two busy roads of Jerusalem. और यरूशलेम नगर को जोड़ने वाली दो सड़कों के मुख्य स्थान पर या चौराहे पर वो जाकर गया. And told the crowd about Jesus. और उसने उस चौराहे से भीड़ को यीशु के बारे में बताया. Is it what he did? क्या उसने ऐसा किया? No. नहीं. He didn't do such a thing. उसने ऐसा नहीं किया. Nor did he went out and sailed for Italy. और ना ही वो वहां से गया और जहाज पकड़कर इटली की ओर निकल गया. And all of Greece. और या ग्रीस जाकर वहां प्रचार किया. And proclaimed about Messiah. और वहां पर मसीहा की घोषणा करी. Is it what he did? क्या ऐसा किया? No. नहीं. He did nothing of that sort. उसने इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया. Or he immediately sat down to write down the story and convert the whole world. या चातुरंत ही वो बैठ गया उस कहानी को लिखने के लिए कि कैसे पूरा संसार को वो बदल लेगा. No. नहीं. He didn't do this either. उसने ऐसा भी नहीं किया. He did something far more simpler. उसने कई ज्यादा साधारण सा जो बात थी उसे किया. Yet very profound. लेकिन फिर भी बहुत गहन. He seeks out his own brother Peter and brings him to Jesus. वो अपने भाई पत्रस को खोजते हुए और उसे पाकर यीशु के सम्मुख ले आया. There is a verse in the book of Genesis told by Cain. और उत्पत्ति की पुस्तक में एक वचन पाया जाता है जो कान ने बोला. Am I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Cain and Abel, you know the story. आप कान और अबाल एबेल के बारे में जानते हैं. And then Andrew and Peter. और आंद्रियास और पत्रस. What a different scene. और कितने ही ये दोनों ही दृश्य कितने अलग हैं. Remember that. इस बात को याद रखिए. According to Jesus. यीशु के अनुसार. And according to the Bible. और वचन के अनुसार. Every believer is a keeper of others. हर एक विश्वासी दूसरे का रखवाला है. It was Andrew who spies out the boy. In the second place, I want to cite this incident. और दूसरे स्थान पर मैं इस बात को भी बताना चाहता हूँ.
He spies out the boy with 5 loaves and 2 fishes. ये आंद्रियास ही था जिसने उस छोटे से लड़के को पहचाना और खोजा जिसके पास वो 5 रोटी के टुकड़े और 2 मछलियां थी। And he reports to Jesus. और वो यीशु को इसकी जानकारी दी। The master. और जो स्वामी था। There is a lad here. और यहाँ पर एक लड़का है। And it was Andrew who brought the boy to Jesus. और ये आंद्रियास ही था जो उस लड़के को यीशु के सम्मुख लेकर के आया। And then that was the second incident. और ये दूसरा ऐसी घटना थी। And the third incident was तीसरा घटना among the pilgrims at feast time in Jerusalem और जब वो यात्री गण जो यरूशलेम में तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचते थे उनके उत्साह के समय there were some Greeks who have heard about Jesus वहां पर कुछ यूनानी भी मौजूद थे जिन्होंने यीशु के बारे में सुना they seek out Philip उन्होंने फिलिप को ढूंढा and say to him और उससे कहा sir we would see Jesus कि भाई हम यीशु को देखना चाहते हैं And Philip, और फिलिप ने What was his attitude? उसका क्या स्वभाव था Is a Philip not so sure? और फिलिप जो है इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं so था he hesitates. और इसलिए वो घबराया And, he asked Andrew about it. और उसने आंद्रियास से पूछा Andrew doesn't hesitate. और आंद्रियास इस बात को लेकर हिचकिचाया नहीं takes them to Jesus. और वो उन यूनानियों को लेकर यीशु के सम्मुख पहुंच गया Andrew was the man who always brought people to Jesus. और आंद्रियास तो एक ऐसा व्यक्ति था जो हर क्षण लोगों को यीशु के पास लाता था। So in the gospel, और इसलिए ये सुसमाचार में, wherever we read about Andrew, जहां कहीं भी हम आंद्रियास के बारे में पढ़ते हैं, it was always in connection with him bringing someone to see Jesus. तब वो उसी संदर्भ में हम पढ़ते हैं जब वो किसी दूसरे को यीशु के पास लाता है। He was not a great speaker or a missionary. और वो एक बहुत अच्छा वक्ता या एक अच्छा सेवा कार्य करने वाला नहीं था। But he was a soul winner. लेकिन वो आत्माओं को जीतता था। The main business of the church is to bring people to Jesus. और याद रखिए कलीसिया का भी मुख्य उद्देश्य और व्यवसाय यही है कि वो लोगों को यीशु के पास ले But we easily forget this truth. लेकिन हम आसानी से सच्चाई को भूल जाते हैं Andrew was never outstanding. और याद रखिए आंद्रियास कई बहुत अच्छा नहीं था Or he was never noticeable. और यह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बहुत प्रमुख हो और सब उसे जानते हो But he is responsible for the conversion of Peter. लेकिन वो जिम्मेदार था अपने भाई पत्रस के मन परिवर्तन के And that Peter became a leader and an outstanding और वो पत्रस ही एक बहुत ही बड़ा अगुवा और एक बहुत ही अच्छा अगुवा बनने पाया Now what is important? और क्या जरूरी है? You will never know whom you will bring to Jesus. आप कभी नहीं जानते कि आप कब किसे कब यीशु के पास ले आएंगे। So what is the message? तो संदेश क्या है? Be a soul winner. आत्माओं को जीतने वाले बने। Not a standing on the stage and preaching. और वेदी पर खड़े होकर प्रचार करना नहीं। Or very noticeable running all over the place. या दिखावा करने वाला दौड़ना भागना मेहनत करना Seem to be doing so many things. और दिखता दिखावा ऐसा कि मानो बहुत कार्य करते हैं And yet ultimately nobody is brought to the, लेकिन to अंत Jesus. में फिर भी यीशु के सम्मुख कोई नहीं आता Or very calm and quiet. और या बड़ी शांति के साथ Not a stage man. और कोई उपाधि या वेदी पर दिखने वाला Not नहीं a noticeable man. ऐसा मनुष्य नहीं जो प्रमुख हो And yet quietly he finds out people and bring them to Jesus. लेकिन बड़ी शांति के साथ वो लोगों को ढूंढ कर यीशु के पास ले आता था And when the day of judgment comes, और जब वो न्याय का दिन आएगा you know who will be rewarded the most? आपको पता है कौन सबसे ज्यादा तोहफा पाएगा Personal evangelist in other words someone who personally witness to people and bring them to Jesus aur aise log jinhone vyaktigat roop se logo se baat kari aur unki aatmaon ko jeet kar yeshu ke samukh le aaye and I pray aur meri prarthna ye hai that you will not forget this truth aur aap is sachchai ko bhul le na paaye what is important is what is recorded in heaven About you. और वो सबसे मुख्य बात और जरूरी बात यह है कि स्वर्ग में आपके बारे में क्या लिखा जाता है नॉट वट पीपल थिंक ऑफ यू नॉट वेदर यू आर सो विजिबल टू द पब्लिक ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप लोगों के सामने दिखते नहीं क्वाइटली शांति के साथ इंटरसीडिंग फॉर वर्कर्स ऑफ द गॉस्पेल
परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना करते हुए सुसमाचार प्रचार Such people are great in the kingdom of God. और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में महान हैं. And so it is important what you will be in the kingdom of God. और इसलिए rather than what people think of you today. और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के राज्य में क्या होंगे इसकी बजाय कि लोग आपके बारे में क्या सोचें. May the Holy Spirit bless you. पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे. And help you. और आपकी सहायता करे. Give yourself to God. परमेश्वर को अपने आप को दे दे. Amen. Amen. Lord, I thank you for the Holy Spirit. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए. By whose prompting anyone can be a personal evangelist. जिसके बुलाहट के द्वारा कोई भी एक व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचारक बन सकता है. For we realized personal evangelism is one of the greatest means. Of bringing souls into thy kingdom. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार एक बड़ा स्रोत है लोगों को तेरी ओर लाने का. So Lord, those who are listening to this message today. और इसलिए आज के दिन पिता जो लोग इस संदेश को सुनते हैं. Let them offer themselves to you. होने दे वो अपने आप को तुझे समर्पित कर. And you in your own way use them. और तू अपने तरीकों में उनका प्रयोग कर. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friends. Enjoy this day. परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मित्रों इस दिन का आनंद आप Be a soul winner. और परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीते. Amen. Amen.